स्वागत है आपका आरबी के टाइम्स में। मैं हूं उत्सवी और हम बात करेंगे गिल्टी मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, एंड इसमें मेन कास्ट है कियारा अडवाणी। अब मूवी के अच्छे पॉइंट्स ये है दैट द मूवी इज बेस्ड ऑन मी टू मूवमेंट। अब मी टू मूवमेंट एक ऐसा सोशल इशू है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई है, पर इस कंसेप्ट पे और इस सोशल इशू पे कोई भी मूवी नहीं बनाई गई है। सो उस वे में देखा जाए तो गिल्टी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज कियारा अडवाणी मेन रोल प्ले कर रही है और बाकी भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सबका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। कियारा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, शी प्लेज द रोल ऑफ नानकी। अब उनका रोल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो रोल्स उन्होंने अब तक किए। फॉर एग्जाम्पल, हमने उन्हें पहले देखा है गुड न्यूज़ में, कबीर सिंह में, MS धोनी में। हर मूवी में हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सहमी, स्वीट, डिसेंट टाइप के रोल्स प्ले करती है। गिल्टी में उनका रोल कम्प्लीटली अपोजिट है। शी हैज़ ऑल टैटूज ऑन हर बॉडी, शी इज अब्यूजिंग, एकदम यूथ टाइप कैरेक्टर है। जो मुँह में आता है वो बोल देती है, ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स है, सिल्वर एंड रेड कलर का हेयर कलर है, एक्सट्रीमली बोल्ड कैरेक्टर है। सो उस वे में 100 मार्क्स टू हर परफॉर्मेंस बिकॉज ऐसी परफॉर्मेंस हमने उनकी तरफ से कभी देखी नहीं है। सो दैट वे इट इज़ वेरी गुड। नेगेटिव चीज़ों की बात की जाए तो कंसेप्ट बहुत अच्छा लिया, पर बीच बीच में बहुत सारी प्लेसेस पे ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। क्योंकि मीटू पे है तो वो थ्रिलिंग भी लगता है, पर बीच बीच में कुछ पार्ट्स ऐसे जहाँ पे आपको फील होता है कि हम इसे लैपटॉप पे पॉज करके फॉरवर्ड कर दें, या फिर ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ओवर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितना पावरफुल कंसेप्ट लिया है उतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग नहीं है और उतनी ज़्यादा अच्छे से वो कन्विंस नहीं कर पाए। सो परफॉर्मेंसेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नॉट जस्ट कियारा पर जितने भी और एक्टर्स हैं जो जिसपे मीटू का अक्यूसेशन है, वो जिस लड़की ने मीटू का ये किया है, फाइल किया है केस, वो सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है, कंसेप्ट अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। सो आई थिंक गिल्टी एक ऐसी मूवी है, कियारा के फैंस डेफिनेटली ये मूवी देख सकते हैं बिकॉज उन्हें वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी मूवी में, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच। एंड youth, they love, you know, binge watching on Netflix. So I think it could be a good example and a good binge watching session. पर अगर आपको, अगर आप ये इनके skip भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा loss नहीं है। So I feel Guilty is a movie which maybe you can watch. नहीं देखोगे तो भी इट इज़ फाइन। सो दैट इज़ माई रिव्यू ऑन गिल्टी। आपने ये वेब सीरीज़ देखी या नहीं और आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे और रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए RBK Times। ऐसे और वीडियोस और बॉलीवुड की सारी जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RBK Times।